बांग्लादेश में हिंदू एकजुट यूनुस सरकार को चेतावनी। सनातन की दहाड़ देख दहला कट्टरपंथियों का दिल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार पलटने के बाद जो हालात बांग्लादेश में बने वो बेहद भयावह थे। छात्रों के प्रदर्शन ने बांग्लादेश की जो हालत की वो सबने देखी। कैसे सड़कों से प्रधानमंत्री आवास तक हुड़दंग कर लोगों ने बांग्लादेश की हालत बुरी कर दी थी, लेकिन इस दौरान वहां सबसे बुरी हालत अल्पसंख्यक हिंदुओं की ही रही। हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें लगातार सामने आती रहीं। तस्वीरें दिल को दहला देने वाली थी। हिंदू महिलाओं पर अत्याचार, मंदिरों में तोड़फोड़, कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाने का एक भी मौका वहां नहीं छोड़ा। अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाली बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के मुताबिक बांग्लादेश के 64 में से 45 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए, यानी बांग्लादेश के 70% जिलों में हिंदुओं को हिंसा और तोड़फोड़ का शिकार होना पड़ा। धार्मिक स्थल, घर और व्यापार सब कुछ निशाने पर थे, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच सेक्युलरिज्म की पुंगी बजाने वाले सब के सब मौन थे, बिल्कुल चुप। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, ये सब कहने वाले मुंह में दही जमाए बांग्लादेश के मुद्दे से मुंह मोड़ चुके थे। फिर हिंदुओं ने खुद अपनी सुरक्षा का जिम्मा संभाला और निकल पड़े सड़कों पर, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया, जिसकी कमान मोहम्मद यूनुस ने संभाली। मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास के बाहर मुस्लिम कट्टरपंथियों के सताए हिंदू हाथों में अपनों की फोटो लेकर पहुंचने का सिलसिला शुरू कर देते हैं, लेकिन जब इससे भी काम नहीं बनता तो अब बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। चटगांव के ऐतिहासिक लाल दीघी मैदान में सनातन जागरण मंच ने विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली में लाखों हिंदू एकजुट हुए और अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यक अधिकार और सुरक्षा की मांग की है। लाखों की संख्या में सड़क पर आकर हिंदुओं ने बांग्लादेश की उस पुरानी बीमारी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया, जिसमें अराजकता फैलते ही मुस्लिम कट्टरपंथी सबसे पहले हिंदुओं को सताते हैं। ये तस्वीरें जब बांग्लादेश से सामने आई तब कट्टरपंथियों को मिर्ची लगी होगी, कुछ का तो कलेजा ही कांप गया होगा। हिंदुओं को एकजुट करने और सनातन की रक्षा करने के लिए सनातन जागरण मंच ने इस रैली का आयोजन किया। इस वीडियो को एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए भारत में रह रही बांग्लादेश की प्रख्यात लेखिका तस्लीम नसरीन ने भी इसकी जानकारी दी। इस हुंकार से हिंदुओं ने इसी महीने की शुरुआत में प्रदर्शन करते हुए 8 मांगे रखी थी। इन्हीं 8 मांगों के लिए एक बार फिर हिंदुओं की ये हुंकार बांग्लादेश की सड़कों पर देखने को मिली। अब आप जानिए कि आखिर क्या है हिंदुओं की वो 8 मांगे। अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन, पीड़ितों को उचित मुआवजा और पुनर्वास प्रदान किया जाए, तुरंत एक अल्पसंख्यक संरक्षण कानून लागू किया जाए, अल्पसंख्यक मामलों के लिए एक मंत्रालय का गठन हो, शिक्षण संस्थानों और हॉस्टलों में अल्पसंख्यकों के लिए पूजा स्थल बनाए जाए, हिंदू, बौद्ध और ईसाई कल्याण ट्रस्टों को फाउंडेशन का दर्जा दिया जाए, संपत्ति पुनः प्राप्ति और संरक्षण अधिनियम और सौंपे गए संपत्ति अधिनियम को ठीक से लागू किया जाए। इसके साथ ही हिंदुओं ने मांग की है कि संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण किया जाए और दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन का अवकाश घोषित किया जाए। और अब इन मांगों को लेकर जो हिंदू हैं वो लाखों की संख्या में बांग्लादेश के सड़कों पर जब उतरे तो ये तस्वीरें सामने आई, और इन तस्वीरों को देखकर कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी हैं जिन्होंने पिछले दिनों हिंदू अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश में सताने का काम किया और अपने निशाने पर लेने का काम किया, वो भी अब सहम गए होंगे। आप इन तस्वीरों को देखकर क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और देखते रहें एनएमएफ न्यूज़।